हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं अभी अपना नया वीडियो बना रहा हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का। सो उसका दूसरा पार्ट है। तो जैसे कि आपको थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं बना रहा हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का नया बेस। तो मैंने यहाँ पे 10x10 का यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया बॉक्स, देन फिर मैंने उसको ऐसे डिक कर दिया लाइक दिस। तो मैं डिग हो गया। अभी मैं इसके फ्लोरिंग जल्दी से कर देता हूँ। मैं फ्लोरिंग इससे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब पैसा देखो अपने पैसा वुड वाला। हाँ अभी तो, और आपको जैसे ये याद होगा कि मैं पिछले एपिसोड में 3-3 डायमंड और कुछ स्लाइम बॉल्स जो अभी मैंने एक चेस्ट में रखे हुए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये लगाओ, डन। तो अभी हमारा इतना बन चुका है यहाँ पे ऐसा करके। इसको बनाऊंगा 3, 4, 5, 6 by 6 की वॉल होगी। नहीं यार, 6 by 6 बहुत ज्यादा होता है, 4x4 की रखता है। मैं ना पार्कोर करते करते वॉल बनाता हूँ। दिस इज कॉल्ड ड्रीम स्टाइल। ब्रो, तो हमारी एक वॉल तो ऐसे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें ऐसे ही तीन वॉल्स और करनी है। लेट्स गो बॉयस। और हाँ यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यार। मेरे को अभी के लिए मेरा गोल है 100,000 सब्सक्राइबर्स। तो मैं पहले चाहता हूँ कि हम पहले 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएँ। और हाँ, अभी अगर आप मैंने प्रॉमिस अपना कंप्लीट किया। मैंने कहा था कि जैसे मेरे 100 व्यूज होएंगे मैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। और मैंने उसका मेरे शायद कल ही हुए थे ना 1000 व्यूज। सो हाँ, मैंने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। उसको बस अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मेरे PSN पे थोड़ी सी FPS कम आ रही थी, तो इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया यार। और हाँ, मेरा फिर प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगा, तो बस उसी के लिए टाइम लग गया। बाकी तो मेरी वीडियो मेरे पर पड़ी हुई थी और मेरे को बस वॉइस ओवर ही करना था। मैं उसका वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ। सो यस, जल्दी से लाइक करो जो जिसने नहीं किया, नहीं तो फिर वो कैरी मिनाटी भैया को ठोक लेंगे। ये कुछ ऐसा लगेगा इसका, ये भी कुछ ऐसा लग रहा है। अभी टेंशन मत लो, अभी और भी अच्छा मैं इसको बना रहा हूँ। अभी तो इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्राफ्टिंग टेबल, अच्छा मेरे पास पड़ा हूँ, मुझे लगा नया बनाना पड़ेगा। यहाँ से मैं अभी क्या बनाऊँ और घर के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ना स्टेयर्स भी चाहिए। स्टेयर्स 6 से बन जाती है ना यार। ये रही, ठीक है। तो अब मुझे इसको एक, मेरे को इसके जितने बनाना है ऐसा करके उन पिलर्स पे लाइक दिस। सो यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया क्योंकि मुझे
अभी मैं उसको जल्दी से बना लेता हूँ ऐसे करके। और हाँ मुझे आप एक चीज़ और बताओ कि आपको मेरा घर अभी कैसा लग रहा है उस हाँ सो अभी हमें यहाँ पे ऐसे पिलर्स बनाने हैं, इसके पिलर्स कंप्लीट करने हैं बेसिकली। ये मैंने इसका ट्यूटोरियल देखा था, तो डोंट माइंड ना, मैं आर्किटेक्टर में इतना नहीं हूँ, मैं ना मैं रेडस्टोन में हूँ, मैं माइनिंग में अच्छा हूँ, वो बहुत ज़्यादा कम। और हाँ जो मैं पहले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करता हूँ ना, एक सेकेंड इसका मेरे को कैलकुलेट करने दो। हाँ यहाँ पे मैं डॉट इस लगा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे पे मार्क कर जाएगा, मैं उसको उठा के मैं प्लैंक रिप्लेस कर दूंगा, टेंशन ना लो। ये मैं बोलो कि हैं हर चीज तू प्लैंक यूज कर रहा, मतलब हर चीज तू डॉट यूज कर रहा है। अरे नहीं भैया, मेरे को डॉट यूज करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास मार्किंग के लिए और कोई ब्लॉक नहीं है। हे, मैं गरीब हूँ। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा स्टोन के स्टेयर्स चाहिए। और ये अभी मैं बना रहा हूँ अपनी छत, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी छत लगने वाली है क्योंकि मैं बना रहा हूँ और मुझे आर्किटेक्टर टट्टू नहीं आती, तो मुझे इसको बनाने में लगेगा बहुत ज़्यादा। ये देखो मैंने क्या कहा, मुझे आर्किटेक्टर आती ही नहीं है, उसी टाइम पे मैं गिरेगा। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हाय मैं सोच रहा हूँ पहले ना मैं ब्लॉक्स लगा लूँ, फिर मैं उनको बाद में रिमूव कर दूंगा। आए हमें गिर क्यों रहो भाई बार बार। रिमूव करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। हाँ मैंने सबको बता रखा ना, मैं आज ही दो तीन बार बता रखा। आय हाय इसको थोड़ो जितनी सिर का काम कंप्लीट होता था ना, मैं वो लेवल लेकर रिमूव करता था, तो हाथों से अच्छे में भूल जाऊंगा फिर। लाइक दिस मेरा बेड वहीं रह गया। मेरा बेड कहाँ है पता नहीं, मेरा बेड शायद वहाँ पे, मैं पहले बेड पर सो के आया नहीं तो फिर ज़ॉम्बीज़ मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। हेलो मेरा बेड कहाँ है, हेलो हेलो। आय हाय वापस बेड क्राफ्ट करना पड़ेगा सीरियसली। ओके मेरा बेड सर सामने ना पड़ा हो, खाना भी नहीं है मेरे पास, मैं खाना तो है मेरे पास, कोई बात नहीं आता फिनिश के अंदर सो के आता तो जल्दी से। और आयरन वाला फुकट में बैठा है यहाँ पे। बेल लूट लो अबे, क्यों नहीं है इनको। ले खा ले उठा के प्लांट भी कर रहे हैं, गुड बच्चा। और प्लांट कर चल कर, हाँ बोल रहे
ले मैं भी तेरे, मैं इसको दे कुछ और रहा हूँ, प्लांट कुछ और कर रहे हैं, जो कॉम्पोस्टर में डाल रहा है भाई सब्जी। वैसे तो मैं कंपोस्टर ले लूं ना, ठीक है नहीं लेता। वो घर कहाँ है जिसमें मैं सोया था, भूल गया मैं। वाह जी वाह, मजा आ गया। वो रहा अपन का घर, लेट्स गो बॉयज। और हमारा ना अच्छा, मतलब हमें विलेज मिल गया स्पॉन के अंदर ही। और सुनो, जिस जिसने मेरा वीडियो नहीं देखा ना पिछले वाला, पहले उसको जाके चेकआउट करो, फिर बोलते हैं भाई तूने चीट लगा के क्रिएटिव लगा के करा। नहीं भैया, तुम पहले पूरी इन्फॉर्मेशन रखा करो, फिर बोलो हमने तुम्हें पागल बनाया है। मैं कौन से टॉपिक से कौन सा टॉपिक ले लेता हूँ यार, मैं अभी ना अजब गजब मंदा ही हूँ। और यार लाइक कर दो मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। कितनी बार हो चुका हूँ यार, आई थिंक सो 2 या 3 बार। आई हाँ भाई, मैं ना सच बता रहा हूँ, ये हमेशा यहाँ पे मेरे को प्लेस करना पड़ता है ब्लॉग। ये भी प्लेस हो गए, बस हमारा ना जल्दी से कंप्लीट होने वाला है घर। और जो कंप्लीट होगा ना, इतना सही लगेगा ना, मैं क्या बोलूँ। यो जोगिंदर थारा भाई, जोगिंदर इतना सही घर बनाएगा, इतना अच्छा घर बनाएगा, किसी ने सोची नहीं होगी। तो ये हमारे छत का ये ऊपर वाला लेयर हमें कंप्लीट हो चुका है, तो अभी बस मुझे यहाँ पर नीचे प्लांक प्लेस करना है। जी आलसियों का घर यही होता है, उसको बोलते हैं आलसी पना, हाउस पना, कुछ भी। ये काफी अच्छा घर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने बनाया है। हाय हाय छी, टॉर्च है ना, मैं पहले टॉर्च प्लेस कर दूंगी तो मॉब स्पॉन होने का भी डर रहता है। यहाँ पर प्लेस करें टॉर्च। लेट्स गो, चलो हमारा बेस का इनर पार्ट तैयार हो चुका है। अभी बस हमें मेरा क्राफ्ट, मैं फिर क्राफ्टिंग टेबल ऊपर भूल गया, फिर बनाना पड़ेगा मेरे को। और अब मुझे ना चाहिए 2 चेस्ट और बहुत ज़्यादा फर्नेसेस, क्योंकि फिर हम उसके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो इसलिए क्या कुछ भी, उनको बेड भी लाना है वहाँ से, मैं विलेजर्स के घर से एक टॉर्च भी ले आता हूँ। और भाई इतनी गरीबी हो गई, एक घर बनाने के लिए कितनी उड़ लग गई, तुम ये देखो ना। इनको इसको भी ब्रेक करना है ना, आय हाय अब इसके अंदर और खप दिमाग खराब होएगा भाई। मेरे को तो ना समझ में नहीं आता,
घर आपको तो पहले माइनक्राफ्ट में ना हमें ना जब हम घर घर मिलते थे हमें तो वो हमें बने बनाए घर मिलते थे जिसके हम स्वान होते थे उसके हमें बहुत ज़्यादा स्वान मिलता था अच्छे से डायमंड जैसे डायमंड एमरल्ड उस टाइम नेदरराइट तो होता ही नहीं था तो नेदरराइट कहाँ से मिलेगा पर यस बहुत सही सही चीज़ें होती थी उस टाइम पर उस घर पर क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट तब भी खेलता था और वहाँ पर एक फायर नाम का मटीरियल होता था जिसका हम चेन आर्मर भी बना सकते थे चेन वाला आर्मर यस हम उसको पहले क्राफ्ट भी कर सकते थे पर अभी वो थोड़ा सा रेयर हो गया क्योंकि हम क्राफ्ट नहीं कर सकते ना मेन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है हमें क्या अभी मैं क्या बनाने के लिए अच्छा हाँ डोर और थोड़े से ट्रैप डोर अभी आप सोच रहे हो ट्रैप डोर किस लिए यहाँ पे मैं ना कुछ अच्छा सा करूँगा मतलब काम वाम लाइक मैं तो डोर्स को भी इसे रिप्लेस कर दो अच्छा हाँ यहाँ पे मैं ये डॉट लगा देता हूँ डन इजी डब्स एक मेरे को हो चाहिए ये मैं मिल गया होए होए और यहाँ पे लगे मेरे सीड्स थोड़े से उतना भी नहीं मेरे ख्याल से down down हमारा बेस कितना अच्छा लग रहा है ना आगे से क्योंकि मैंने बनाया है और मैं टॉर्च भी ले जाऊँ मैंने कभी टॉर्च और व्हाट द हेक यहाँ से ये उठा लो चार टॉर्च मैंने अभी अपने मजे से बोला बस इस डोर को यहाँ पे लगा दो ये डबल एंट्री लॉल लॉल ये लग गया मतलब बेड मुझे पता है ज़्यादा अच्छा लग रहा पर कोई बात नहीं तो कमेंट में ये झूठे कमेंट्स मत करना कि ओपी भाई अच्छा घर बनाया है ओपी भाई अच्छा घर बनाया है मेरे को भी इतना अच्छा लग रहा पर हाँ पहला अच्छा गया हमारा पहला वाला घर सो यस आज के एपिसोड में इतना ही यार क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो तब तक के क्योंकि थका मैं इसलिए क्योंकि मैंने इतने सारे मैंने पता दो स्टैक कच्ची वुड जमा की थी तो मैंने उसको प्लांट्स में कन्वर्ट किया फिर मैंने अपने पूरा घर बिल्ड किया फिर मैंने उसकी बाउंड्रीज देखी ट्यूटोरियल देखा तो मैंने बहुत कुछ देखा तो इसलिए यार बाय बाय और हाँ वो लास्ट लाइन भूल गए तुम सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक कर दो मेरे वीडियो को तब तक के लिए बाय बाय या